हेलो गाइस, वेलकम टू वेदमी। आज से हम इस वेदमी के यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 9 डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक, तो CSIR के लिए जो यूनिट 9 है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब इसका सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि सिलेबस में क्या क्या है, तो जो इसमें जो भी सिलेबस है वो 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहली कैटेगरी है ए वाली, उसमें आता है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है, फिर टैक्सोनॉमिकल टर्म्स क्या होते हैं, फिर नोमेनक्लेचर के मेथड्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या हैं जो टैक्सोनॉमी के लिए हैं प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। उसके बाद जो आता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम टिश्यू ऑर्गन सिस्टम और एनिमल्स के यूनिसेलुलर कॉलोनिकल और मल्टी सेलुलर फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद है आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम पूरा क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे एनिमल का, प्रोटोजोआ से लेके एंड तक जो भी मैमल्स में है, मैमल्स तक जो भी सीरीज चलती है उसकी वो। ठीक, और उसके बाद ये प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन होंगे। डी जो सेक्शन है उसमें नेचुरल हिस्ट्री होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की, तो ये यहाँ पे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के मेजर हैबिटेट्स के बारे में देखेंगे, उनके जियोग्राफिकल ओरिजिन्स और वहाँ पे कैसे स्पीसीज पाए जाते हैं, कौन से स्पीसीज पाए जाते हैं, कितने माइग्रेट हो चुके हैं, क्या है, कैसा है, ये सब कुछ देखेंगे। कॉमन इंडियन मैमल्स क्या हैं, बर्ड्स क्या हैं, फिशेस क्या हैं, क्या कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, इन सब की ये चीज़ें देखेंगे। और इसके बाद जो आता है सेक्शन ई है, सेक्शन ई में डिस्कस होता है ऑर्गेनिज्म ऑफ इम्पॉर्टेंस, कौन कौन से हेल्थ के पर्सपेक्टिव से और एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक एनिमल में हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो। और उसके बाद है सेक्शन एफ, सेक्शन एफ में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न, तो कौन से रेयर स्पीसीज हैं, कौन से एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, कौन से वल्नरेबल हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। और अभी अगर हम ये देखें कि इन सिक्स ये जो छः सेक्शन हैं, सिक्स सेक्शंस हैं, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, जो कि इसमें इस सीरीज में कवर होंगे बेसिकली। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए हैं, अगर हम पिछले 8-10 साल के पेपर्स को एनालाइज करें CSIR के, तो जो क्वेश्चन आए हैं वो इस सिक्स सेक्शंस में से ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनसे ही बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला अल्फा बीटा गामा टैक्सोनॉमी, दूसरा है हायरार्किकल टैक्सा, तीसरा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके रूल्स की कैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होते हैं और कन्वेंशंस। उसके बाद प्रोटोजोअन और बैक्टीरियल डिजीज, फंगी डिजीज जो होस्ट ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उन सारे डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कॉमन पैरासाइट्स या पैथोजन, जो कि सेम चीज़ है कि हम डिजीजेस डिस्कस करेंगे, तो पैरासाइट जो क्या है वो डिजीजेस ही कॉज करेंगे, तो यहाँ पे भी हम डिजीजेस पैथोजन्स को डिस्कस करेंगे, प्लांट में कौन कौन से हैं और एनिमल में कौन कौन से हैं। इसमें हम डिफरेंट फंजाई, वायरसेस, बैक्टीरिया, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने को ये मालूम पता चलेगा कि ये क्या क्या है, कौन कौन से डिजीज कॉज होते हैं। इनसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछा जाता है कि ये कौन सा डिजीज है और किस इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ये प्लांट में कौन सा डिजीज कॉज करता है, एनिमल में कौन सा करता है, इस तरह से। और फिर उसके बाद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बारी आती है, जिसमें फाइलोजेनेटिक ट्री और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है, कॉमन एंसेस्टर्स देखे जाते हैं, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। सबसे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें फाइलोजेनेटिक ट्रीज के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं और उससे बहुत सारे MCQs बनते हैं। फिर उसके बाद आता है रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर कंजर्वेशन स्टडीज। ओके, अब आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, हमारा जो स्ट्रेटजी होगा वो कुछ ऐसा होगा कि हम PYQs उठाएंगे, CSIR के प्रीवियस ईयर आए हुए PYQs उठाएंगे, उनको सॉल्व करने के लिए जो भी टॉपिक इन्वॉल्व होगा,
कि जिस वो जिस नॉलेज से जिस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहा होगा उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अब ये कैसे होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगी। तो आज का जो क्वेश्चन बेस्ड है वो लास्ट टॉपिक पे है जो है रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक, इसके लिए तो अभी एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, आप देखो कि आप क्या जानते हो क्या इसके बारे में कि क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन विल क्वालिफाई अ स्पीसीज टू बी कंसीडर्ड एज एंडेंजर्ड एज पर IUCN क्राइटेरिया। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है अपन इसके लिए कैसे कि इसमें पूछा है कि क्या क्राइटेरिया हो सकती है किसी स्पीसीज को, किसी एनिमल को एंडेंजर्ड क्वालिफाई करने के लिए या एंडेंजर्ड मार्क करने के लिए IUCN के बेसिस, IUCN क्राइटेरिया के बेसिस पे। अब अपने को अगर IUCN नहीं पता होगा, रेड बुक नहीं पता होगा, एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं ये नहीं पता होगा, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि क्या है इसका आंसर क्या है। तो एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे, पर हम ऑप्शन देख रहे हैं ना कैसा कैसा बता रहा है कि 80% पॉपुलेशन साइज दे दिया है। कुछ टर्म्स हैं इसमें कि 80% पॉपुलेशन साइज है, रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी, एस्टिमेटेड एक्सटेंशन रिस्क, तो इस तरह के कुछ टर्म्स दे रखे हैं ना यहाँ पे, और उनके लिए वैल्यूज दे रखी है जैसे 80% रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, 100% किलोमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी, तो इस तरह के टर्म्स दे रखे हैं। तो अब अपन कैसे मालूम करेंगे कि इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा सही है, किसको टिक करके अपन एंडेंजर्ड स्पीसीज को मार्क कर सकते हैं, कौन से क्राइटेरिया में, ये क्वेश्चन जाएगा। ओके, तो अभी आप लोग ये टॉपिक पढ़ने के बाद इसको तुरंत बता दोगे कि ये कैसे होगा। अब अगर बात की जाए IUCN, क्वेश्चन में नाम था क्या IUCN, IUCN क्या होता है। IUCN जो है उसका फुल फॉर्म जो है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये IUCN जो है वो बना था 5 अक्टूबर 1948 पे बना था, यूनियन इंटरनेशनल यूनियन। इस तो शुरू में इसका नाम जो था IUCN का वो था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। क्या नाम था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ये बना था 5 अक्टूबर 1948 को और इसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ओके, तो शुरू में IUCN का नाम जो था वो था IUPN। क्या था? IUPN। तो ये कब बना था, कहाँ बना था? 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। ओके, अब जो है ऑर्गेनाइजेशन ने इसका अपना नाम चेंज कर लिया, पहले IUPN था मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, अब क्या हो गया IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, तो जब ये नाम चेंज हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना? हेडक्वार्टर बना फिर इसके बाद स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। तो अभी IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है स्विट्जरलैंड में। तो अब ये जो IUCN है ये करता क्या है? तो IUCN कुछ प्रायोरिटी एरियाज में काम करता है, किन पे? तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पे, क्लाइमेट चेंज पे, सस्टेनेबल एनर्जी पे, ह्यूमन वेलबींग और ग्रीन इकोनॉमी। तो इसके पांच जो हैं वो एरिया हैं जिन पे ये काम करता है। पहला है बायोडायवर्सिटी, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, तीसरा है सस्टेनेबल एनर्जी, चौथा है ह्यूमन वेलबींग और पांचवा है ग्रीन इकोनॉमी। ओके, तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी की तो हम बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे। तो अब पहले ये देख लो कि रेड बुक और ग्रीन बुक क्या होता है, इसके बारे में भी MCQ पूछा जा सकता है कि रेड बुक क्या है, ग्रीन बुक क्या है, क्या करता है, क्यों होता है। तो रेड बुक जो है वो IUCN देता है, रेड बुक जो है वो IUCN प्रिपेयर करता है, और जो ग्रीन बुक है वो वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर करता है। और ये जो
ये कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए, स्पीसीज की कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट बनती है। जो रेड बुक होता है वो यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रेड बुक क्यों? क्योंकि इसमें रेयर स्पीसीज को लिस्ट किया जाता है। तो आईयूसीएन में क्या है, आईयूसीएन की रेड बुक में एनिमल्स को कैटेगराइज किया जाता है रेयर, एंडेंजर्ड, थ्रेटेंड, एक्सटिंक्ट, इन सब कैटेगरी में कि कौन से एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं, कौन से रेयर हैं, कौन से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कौन से वल्नरेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो कहाँ आती हैं, रेड बुक में आती हैं, आईयूसीएन के रेड लिस्ट में आती हैं। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में आए हुए स्पीसीज को फिर हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हेल्प से और आईयूसीएन की हेल्प से उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो कैटेगरी है एनिमल्स को प्लेस करने की वो 9 है। 9 कैटेगरी में एनिमल्स को प्लेस किया जाता है। किस तरह से वो देखते हैं, तो पहले जो कैटेगरी है वो है एक्सटिंक्ट की। एक्सटिंक्ट मतलब जो गायब हो चुके हैं। क्या? जो गायब हो चुके हैं, जिनको हमने देखा नहीं है, जिनको हम जानते नहीं है, ऐसे एनिमल्स जो गायब हो चुके हैं, बचे नहीं है, किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं देखता है, ना तो 10 साल बाद देखेगा ना 20 साल बाद देखेगा, मतलब वो गायब हो चुके हैं। जैसे अपने को क्या है, डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अपन ने किसी ने सच में डायनासोर अभी नहीं देखा तो वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उनका कंजर्वेशन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज होंगे तो उनको हम इधर रखेंगे पहली कैटेगरी में। फिर एक बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब क्या है कि ऐसे स्पीसीज जो सर्वाइव इन कैप्टिविटी और अ न्यूट्रलाइज पॉपुलेशन आउटसाइड इट्स हिस्टोरिक रेंज। जैसे कि बहुत सारे हमारा जो बंगाल टाइगर है वो क्या था, अभी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड होने की कैटेगरी में था, ठीक। तो अभी क्या किया, अभी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ गया है, लेकिन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड की कैटेगरी में होने वाला था, मतलब ये खत्म होने वाला था। इसको अब ऐसे एनिमल्स को क्या करते हैं, मतलब जो रेयर होने की कैटेगरी में होते हैं, एक्सटिंक्ट होने की कैटेगरी में होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम उनके ओरिजिनल हैबिटेट या नेचुरल हैबिटेट से दूर ले जाके, उनके नेचुरल पॉपुलेशन से दूर ले जाके के कहीं कंजर्व करते हैं, या फिर उनको ऐसा माहौल देते हैं कि वो रिप्रोडक्शन कर पाए और अपनी स्पीसीज को, अपने पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज कर पाए। तो ऐसे एनिमल्स को जो अपने नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल ओरिजिनल पॉपुलेशन में, हिस्टोरिक पॉपुलेशन में उनकी संख्या कम हो गई हो, उनका पॉपुलेशन कम हो गया, वो जितना दिखते थे एवरेजली, जितने दिखते थे उससे कम हो गए हों, कम दिख रहे हों, तो वो हो जाता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। मतलब अब वो उन जंगलों में नहीं पाए जाएंगे जहां वो यूजुअली पाए जाते थे। अब उनको प्रिजर्व, मतलब प्रिजर्व करके या फिर उनको कहीं कंजर्व करके रखा जा रहा है ताकि वो एक्सटिंक्ट तो नहीं हुए हैं, क्योंकि गायब तो नहीं हुए हैं, उनके कुछ नंबर्स बच गए हैं, कुछ नंबर्स बच गए हैं जिनको हम कहीं दूर पॉपुलेशन एरिया से कहीं दूर उनको बचा के रख रहे हैं। अब इसके बाद बारी आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में वो आते हैं जिनके जो अभी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन उनको रिस्क है। किसका रिस्क है कि ये हो सकते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो सकते हैं। फिर अपने को वही प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी कि उनको उठा के कहीं और रख रहे हैं ताकि वो कंजर्व रहे। तो अभी ये हाई रिस्क पे हैं, किस लिए, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जंगलों से गायब होने के रिस्क में हैं। ये पूरी तरह गायब हो चुके हैं, ये अपने हिस्टोरिकल प्लेस या जंगल से कुछ गायब हैं, मतलब गायब हो चुके हैं, और ये गायब होने की रिस्क पे हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ओके। अब इसके बाद जो बात बात आती है वो है हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड। ये इनमें भी रिस्क होता है बट क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले लेवल से थोड़ा कम होता है, और वल्नरेबल में भी सेम रिस्क होता है कि हाई रिस्क ऑफ एंडेंजरमेंट इन द वाइल्ड, सेम रिस्क होता है पर परसेंटेज थोड़ी
कम होती है। अब ये आपको कैसे, अभी आगे जब अपन क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये परसेंटेज वाइज कैसे वेरी करता है, कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा वल्नरेबल है, ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है, ये चीज़ पता चलेगी। अभी उसके बाद आती है बारी नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड मतलब जो एंडेंजर्ड के कैटेगरी में आने वाला हो, ये ऐसे ही डिसाइड होता है, ये ऑर्डर ऐसे चलता है ये। फिर उसके बाद है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न मतलब जिनमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छे खासे पाए रहे, दिख रहे हैं आराम से, जैसे कुत्ते हैं सड़क पे दिख रहे हैं आराम से, तो उनके लिए लीस्ट कंसर्न है अपन, है ना। गाय है, सांड है, अपन को रोज दिख जाते हैं सड़क पे, है ना, चलते फिरते, तो जो चीज़ें रोज दिख रही है अपने को वो किस कैटेगरी में जाएगी, वो जाएगी लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में। अब इसके बाद बारी आती है डेटा डेफिशिएंट की। डेटा डेफिशिएंट मतलब अपने को मालूम नहीं है कि वो हैं नहीं हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, बट हैं, पर उनके उनकी पूरी डेटा हमारे पास नहीं है कि वो रिस्क पे हैं या रिस्क पे नहीं हैं, हमारे पास डेटा ही नहीं है। और एक है नॉट इवेल्युएटेड, जिनका हमने देखा ही नहीं, हैज़ नॉट येट बिन इवेल्युएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया, क्योंकि वो भी नॉट इवेल्युएटेड वाले भी इतने दिख रहे होंगे कि अपने को ज़रूरत नहीं मालूम होगी कि इसको करना है इवेल्युएट रिस्क फैक्टर में लाने के लिए, एंडेंजर्ड में लाने के लिए या नहीं। तो इस तरह से जो है ये 9 कैटेगरीज चलती हैं, तो आपको ये याद रखनी होगी और ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखने होंगे, कई बार ना सिर्फ शॉर्ट फॉर्म, तो EW अगर आ जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्सटेंशन इन द वाइल्ड है। CR लिखा हुआ कहीं आ गया तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड के लिए EN याद रखना होगा। अभी ये सब मालूम पता चल जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये सब कैसे डिसाइड होता है, सारा कुछ कैसे डिसाइड होता है, वो सब पता चल जाएगा। बस अभी इतना समझ लो कि एक्सटिंक्ट क्या होता है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अगर आपने एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड समझ लिया तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब वो जंगल से गायब हो चुके हैं और कहीं और अब उनको रखे जाने की ज़रूरत है कंजर्व करके। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब कि ये हो सकता है कि ये जंगल से गायब हो जाए, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। जंगल अगर उनका नेचुरल हिस्टोरिकल रेंज जो है पॉपुलेशन का, वो अगर जंगल है तो वो जंगल से गायब हो रहे हैं, अगर कहीं कोई और पॉपुलेशन है तो वो वहाँ से गायब हो रहे हैं, तो उनको ज़रूरत है कंजर्व करने की। ओके, तो ये सारी ये जो कैटेगरी हो गई जिसमें ये रखे जाते हैं ना रेड बुक में, तो 9 कैटेगरीज हैं, 9 कैटेगरीज में सारे एनिमल स्पीसीज जो हैं वो रखे जाते हैं। अब ये जो पेजेस होते हैं उसमें कलर शीट होती हैं, कलर शीट होती हैं रेड बुक में, और ये हर कलर जो शीट होती है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे ब्लैक शीट है, ब्लैक शीट क्या रिप्रेजेंट करती है, ब्लैक शीट रिप्रेजेंट करती है स्पीसीज विच आर एक्सटिंक्ट। जैसे अगर डायनासोर है तो उसको अपन किस पेज में ढूंढेंगे, ब्लैक कलर की शीट्स में ढूंढेंगे, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अपने को अगर एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में जानना होगा तो रेड बुक में हम ब्लैक शीट्स को चूज करेंगे। रेड अगर शीट्स हैं तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ग्रेटर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसे स्पीसीज रखेंगे जिनके एक्सटिंक्शन का रिस्क बहुत है। फिर एम्बर कलर के लिए ऐसी स्पीसीज को रखेंगे जो कि दूसरे स्पीसीज से अटैक हो रहे हैं, अटैक होने की वजह से उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है। वाइट में किसको रख रहे हैं, रेयर स्पीसीज को रख रहे हैं। ग्रीन में ऐसे स्पीसीज रख रहे हैं जो नॉन डेंजर्ड हैं, मतलब जो किसी को परेशान नहीं करते हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, ऐसे ग्रीन में नॉन डेंजरस स्पीसीज। फिर उसके बाद ग्रे हो गए हैं, तो ग्रे में किसको रख रहे हैं, ग्रीन में एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर, जो कि 3 इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है जिसको सबसे ज़्यादा स्टडी करना है रेड बुक में। तो वो रेड बुक की जो मेन कैटेगरी है एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर, वो मिलेंगे अपने को ग्रे कलर की शीट्स पे। तो ये जो है 6 कलर की शीट जो हो है वो मिलती है हमें रेड बुक में, ब्लैक, रेड, एम्बर, वाइट, ग्रीन एंड ग्रे। ओके, अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है ये डिसाइड करने का कि एंडेंजर्ड क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या है, वल्नरेबल क्या है,
ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो IUCN का, अगर जब भी आप IUCN की वेबसाइट पे जाओगे, IUCN की वेबसाइट पे एक PDF मिलेगी आपको जिसमें ये क्राइटेरिया कम्प्लीटली मेंशन होगा। अभी मैं शॉर्टलिस्ट को डिस्कस कर दूंगी, बट अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है, तो आप IUCN की वेबसाइट पे जाके वो PDF चेक कर सकते हो। बट ये सफिशियंट होगा हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसा MCQ मैंने पहले दिखाया था वैसा अगर आपको सोल्व करना है तो वो यहाँ पे इस स्लाइड को अगर आपने माइंड में रख लिया तो ये आराम से सॉल्व होगा। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको याद करने होते हैं। क्या करने होते हैं? याद करने होते हैं। सब क्या है? रटने जैसा है, दिमाग में रखने जैसा है। तो हो सकता है कि अभी आगे जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगी उसको नेमोनिक या ट्रिक भी दे दूंगी, जिससे आपको ये चीज़ें ना जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लिस्ट हैं। कैसे लिस्ट है? पैथोजेंस की लिस्ट हैं, बैक्टीरिया और पैथोजन मतलब फंजाई, प्रोटोजोआ, इन सब की लिस्ट है, बहुत लंबी लंबी सी लिस्ट है, वो सब याद करना। फिर रेयर स्पीसीज की याद रखना, एंडेंजर्ड स्पीसीज को याद रखना। उसके अलावा नेशनल पार्क्स की लिस्ट है ना, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लिस्ट है। इनसे रेगुलर MCQs आते रहते हैं, तो इन सबको भी याद ही रखना। तो यहाँ पे जो भी कुछ है वो सब कुछ याद रखने का गेम है। कुछ एकाध चीज़ें हैं जो ऐसे ही बाई थिंकिंग सॉल्व हो रही हो, बट ऐसा नहीं है, जो भी है सब यहाँ पे याद रखने का है। अभी अगर आप क्राइटेरिया भी डिसाइड कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको ये क्राइटेरिया याद करनी होगी कि क्या है, कैसे याद रखेंगे चारों क्राइटेरिया। तो मेन बात पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हम बात कर रहे थे IUCN के एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी के बारे में, कि IUCN ये डिसाइड कैसे करता है। तो IUCN ने 5 कैटेगरी बनाई है इसके लिए, 5 क्राइटेरिया बनाया है, 5 क्राइटेरिया। उसको हम बोलते हैं A2E क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं? A2E क्राइटेरिया। अब A2E क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो ये है A, B, C, D और E। A किस पे बेस्ड है? A बेस्ड है रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, ठीक, रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज। बी बेस्ड है जियोग्राफिकल रेंज पे। सी बेस्ड है स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड डिक्लाइन। पॉपुलेशन साइज स्मॉल है और कितना डिक्लाइन कर रहा है, ओके। फिर डी है वेरी स्मॉल और रेस्ट्रिक्टेड, मतलब सी से भी ज्यादा स्मॉल पॉपुलेशन या उससे भी कम रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन, ठीक, वहां ये कंसिडर करेंगे। ई जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जो मॉडलिंग बेस्ड होती है, किसी पर्टिकुलर स्टैट्स बेस्ड होती है। तो यहाँ पे 5 क्राइटेरिया, इन 5 क्राइटेरिया में अगर कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो, ए टू ई में कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो कोई स्पीसीज, तो वो एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल माना जा सकता है। अब इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं वो देखेंगे, कि हर कैटेगरी के लिए कौन कौन से कितने पैरामीटर्स हैं वो धीरे धीरे देखेंगे। अब इसमें ए बी सी डी ई में भी सब कैटेगरीज हैं। ए जो है वो 2 सब कैटेगरीज में है, A1 A2, बी जो है वो 1 B1, सी जो है C1 C2, डी जो है D1 D2 और ई जो है बस 1 B1। A1 के जो 2 सब कैटेगरीज हैं वो, अब A1 A2 भी कुछ सब कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा है, तो A1 में 2 कैटेगरीज हैं, A1A और A1B। A1A की बारे में देखें तो ये है डायरेक्ट रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, ओके। तो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज A1A में ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ डायरेक्ट पॉपुलेशन साइज में ही कमी आ रही है, चाहे वो उनके रिप्रोडक्शन कम होने से हुई हो या फिर किसी और तरह का कंपटीशन, नेचुरल कंपटीशन की वजह से डायरेक्ट रिडक्शन हो रहा हो उनके पॉपुलेशन साइज में, ओके। दूसरा है A1B में क्या है, जियोग्राफिकल रेंज साइज इज रिड्यूस, मतलब हमने उनके हैबिटेट एरिया को कम कर दिया है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से उनका जियोग्राफिकल रेंज जो है वो कम हो गया, जंगल कम हो गए, इसलिए उनकी पॉपुलेशन साइज कम हो रही है, ऐसा कुछ। A2 जो है रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज प्रोजेक्टेड और सस्पेक्टेड इन फ्यूचर। A2 ये बताता है, ये बाई डेटा और बाई ऐसे कुछ प्रोजेक्टेड या सस्पेक्टेड या कोई प्रोबेबिलिटी देते हैं कि इतना रिडक्शन हो जाएगा फ्यूचर में, इतना रिडक्शन हो जाएगा।
तो इस ए टू में फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है इतना रिडक्शन हो जाए इसके पॉपुलेशन में, जबकि A1 में क्या है, A1 के दोनों कैटेगरी डायरेक्ट रिडक्शन को काउंट करती है पॉपुलेशन साइज में, जियोग्राफिकल रिडक्शन को काउंट करती है पॉपुलेशन साइज में, जबकि A2 क्या है, वो एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड या सस्पेक्टेड इन द फ्यूचर की बात करती है, मतलब फ्यूचर में कितना रिडक्शन हो रहा है पॉपुलेशन में। अब बात करते हैं जियोग्राफिकल रेंज बी कैटेगरी की। बी कैटेगरी में दो एस्पेक्ट देखते हैं, पहला होता है ईओओ और दूसरा होता है एओओ। एक्सटेंट ऑफ ईओओ से मतलब है हमारा एक्सटेंट ऑफ अकरेंस, क्या होता है ईओओ जो होता है एक्सटेंट ऑफ अकरेंस होता है, और एओओ जो होता है एरिया ऑफ एक्यूपेंसी। एक्सटेंट ऑफ अकरेंस मतलब कितना वो फ्रिक्वेंटली अकर हो रहे हैं, किस एरिया पे अकर हो रहे हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं, और एरिया ऑफ एक्यूपेंसी कितनी बड़ी एरिया में पाए जा रहे हैं, ये चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद सी कैटेगरी है। सी कैटेगरी दो पार्ट में डिवाइड है। क्या है सी कैटेगरी, स्मॉल पॉपुलेशन साइज होगा, वेरी स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड डिक्लाइन, ठीक, अब और कॉन्टिन्यूइंग डिक्लाइन उसमें नोटिस होगी। सी टू में क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, और ई ओ ओ और ए ओ वैल्यू जो बी में हो रही थी वो भी एक्सट्रीमली स्मॉल हो, तो सी कैटेगरी में ये है। डी कैटेगरी में क्या है, डी कैटेगरी में और भी रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज और भी कम हो जाएगी या उसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी, ये दोनों चीज़ें देखी जाएगी कि रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन, या तो पॉपुलेशन ही बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गई है या उसकी प्रोबेबिलिटी उसके पाए जाए उसके फ्यूचर में उसके पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है कि इसका पॉपुलेशन और भी कम हो जाएगा, इतने परसेंट कम हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ईवन में क्या होता है, ईवन में ये होता है कि यहाँ पे हम कुछ मॉडल्स और कुछ स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उनके बेसिस पे बताते हैं कि इनका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन क्या है। ई वाला जो कैटेगरी है वो दिखाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन कितना है, तो इन सारे बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि एंडेंजर्ड क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या है और वल्नरेबल क्या है। अब एक एक करके देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिए, फिर देखेंगे एंडेंजर्ड के लिए और फिर वल्नरेबल के लिए कि ए बी सी डी की लिमिट्स क्या हैं, क्योंकि यही देखेंगे तो ही वो वैसे एमसीक्यूज अगर फ्यूचर में और आते हैं, अभी तो एंडेंजर्ड के लिए पूछा है, अगर कभी फ्यूचर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिए या वल्नरेबल के लिए भी सेम क्वेश्चन आता है तो आपको वो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, आपको ये क्राइटेरिया याद रखनी होंगी। अब अगर हम बात करें क्रिटिकली एंडेंजर्ड की, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। अगर क्राइटेरिया ए है तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, लेस देन इक्वल टू 90% पॉपुलेशन साइज में रिडक्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 90% से अधिक रिडक्शन हो गया हो पॉपुलेशन में, ठीक, 90% से अधिक रिडक्शन हुआ हो, या 80% से अधिक रिडक्शन हुआ हो, या फिर पॉपुलेशन साइज रिडक्शन एक और है A2 कैटेगरी में, वो भी 80% इक्वल टू 80% और मोर देन 80%। तो यहाँ पे जब हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड की बात करेंगे तो हमको एक चीज़ याद, इसको याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ ना, कि आपको नंबर याद रखना है 90, 80, 80, ओके, ये सब परसेंट में, और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चीज़ आपको ऐसे याद रख लेनी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सस्पेक्टेड और एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, ये कब रिडक्शन इन पॉपुलेशन कितने जनरेशन के लिए देखा जा रहा है, 3 जनरेशन, लास्ट 3 जनरेशन, या फिर लास्ट 10 ईयर्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, लास्ट 10 ईयर्स और लास्ट 3 जनरेशन्स में कितना पॉपुलेशन साइज सस्पेक्टेड इन्फर्ड या एस्टिमेटेड या ऑब्जर्व पॉपुलेशन साइज कितना कम हो रहा है 90% का। ओके, ए वन बी का क्राइटेरिया क्या है, ए वन बी का क्राइटेरिया है कि पॉपुलेशन साइज का रिडक्शन कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80%। फिर उसके बाद
अगर A2 का देखेंगे तो A2 के लिए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80%। तो यहाँ पे तीन चीज़ें याद रखनी है, 90, 80, 80। अगर पॉपुलेशन में 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 80% में कमी आ रही है पिछले तीन जनरेशन में, पिछले 10 सालों में, तो ये अपने आप आपको सोच लेना है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद जो बी क्राइटेरिया है, बी क्राइटेरिया है वो क्या है, वो बेस्ड होता है हमारा, हमने पहले ही बात की थी, ई ओ ओ और ए ओ ओ वैल्यूज पे। ठीक, तो ई ओ ओ वैल्यू एक्सटेंट ऑफ अकरेंस लेस देन 100 किलोमीटर स्क्वायर हो, क्या हो, लेस देन 100 किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या हो, लेस देन 10 किलोमीटर स्क्वायर हो, कितना हो, लेस देन 10 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको इसके बाद ये परसेंटेज याद रखने हैं, इसके बाद ये 100 किलोमीटर स्क्वायर और 10 किलोमीटर स्क्वायर। एक कोई बहुत बड़े बड़े अजीब अजीब से नंबर नहीं है, सीधे स्ट्रेट स्ट्रेट से नंबर है, 90, 80, 80 और 100 और 10। कितना इजी है, इजी है, याद कर सकते हैं कि ईओ 100 किलोमीटर स्क्वायर होगा और ये 10 किलोमीटर स्क्वायर होगा। ओके, तो मतलब इनका जो जियोग्राफिकल रीजन है वो 100 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो 10 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगी, तो उनको हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखेंगे। उसके बाद अब जो सी क्राइटेरिया है वो किसकी बात करता है, सी क्राइटेरिया बात करता है स्मॉल पॉपुलेशन की, स्मॉल पॉपुलेशन साइज जो कि कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रही हो, क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रही हो। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे ये डिस्कस होता है कि पॉपुलेशन साइज एस्टिमेटेड टू नंबर फ्यूअर देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल, या फिर एन एस्टिमेटेड कंटिन्यूइंग डिक्लाइन एटलीस्ट 20% विद इन 3 ईयर्स और 1 जनरेशन। अब सी के लिए याद रखना है कि 250 से कम इंडिविजुअल, कम मैच्योर इंडिविजुअल पाए जाएंगे तो वो सी के क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेगा, और सी के क्राइटेरिया क्वालिफाई करेगा मतलब वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना जाएगा। ऐसे ही अगर पिछले 3 सालों में या पिछले एक जनरेशन में उसकी पॉपुलेशन 25% से कम है, ओके, अगर उसकी पॉपुलेशन 25% डिक्लाइन नोटिस की गई है, कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन नोटिस किया गया है उसमें पिछले 3 साल में या पिछले एक जनरेशन में, तो उसका सी क्राइटेरिया भी क्वालिफाई होगा और फिर वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में जाएगा। ऐसे ही जब डी की बात करेंगे, वेरी स्मॉल और रेस्ट्रिक्टेड, अब ये सी में जितना पॉपुलेशन था उससे भी कम हो जाएगा डी में, तो डी में और कम पॉपुलेशन हो रहा है, तो अब यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि अगर 50 से कम मैच्योर इंडिविजुअल पाए जाएं, ऑब्जर्व किए जाएं, एस्टिमेट किए जाए कि 50 से भी कम मैच्योर इंडिविजुअल बच गए, तो वो डी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेगा, और डी क्राइटेरिया क्वालिफाई करके फिर वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ जाएगा। पांचवा क्राइटेरिया है कि अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी या मॉडलिंग से किसी तरह से उसका पता करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, ठीक, और वो वैल्यू आती है 50% के आसपास, अगर हम पिछले 10 सालों और 3 जनरेशन के डेटा को कलेक्ट करके एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि इसकी एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और वो प्रोबेबिलिटी 50% के आसपास आ जाएगी, तो वो क्वालिफाई करेगा क्राइटेरिया ई को। ओके, तो वो क्वालिफाई करेगा क्राइटेरिया ए को, ई को, और ये क्लियर हो जाएगा। अब अपन समझ गए हैं कि ए के लिए, बी के लिए, सी, डी के लिए क्या है। यहाँ पे अपने को याद रखना है ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 90%, ग्रेटर देन इक्वल टू 80%, ग्रेटर देन इक्वल टू 80%। यहाँ पे क्या याद रखना है, ईओ की वैल्यू 100 किलोमीटर स्क्वायर, 10 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, स्मॉल पॉपुलेशन साइज में क्या याद रखना है, 250 मैच्योर इंडिविजुअल,
या फिर एटलीस्ट 25% जो है वो कंटिन्यूअस डिक्लाइन है पिछले 10 सालों में, पिछले 1 जनरेशन में या 3 सालों में। और डी के लिए क्या है, कितने मैच्योर इंडिविजुअल, 50 मैच्योर इंडिविजुअल अगर मिल जाएंगे तो डी क्वालिफाई हो जाएगा। और क्राइटेरिया ई मतलब अगर 50% प्रोबेबिलिटी है एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, तो ये आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हो क्रिटिकली इंडेंजर्ड के लिए। ये चीज़ याद कर लोगे, ऐसे एक कॉलम बना के ये चीज़ें लिख लोगे, 90, 80, 80, 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 250 मैच्योर इंडिविजुअल, 25% कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन, 50 मैच्योर इंडिविजुअल, 50% एक्सटेंशन इन द वाइल्ड। तो ये क्लियर हो जाएगा आपका कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैसे डिसाइड होता है, ये सारे क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होते हैं। अब बात करेंगे हम डेंजर्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज कैसे डिसाइड होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही सारे क्राइटेरिया हैं, बस उनकी वैल्यू चेंज है। वहां पे कितना था, 90% था, वहां पे कितना था, 90% था, 90% था, यहाँ कितना है, 70%, मोर देन 70% है अगर, तो ये क्या क्राइटेरिया A1A को क्वालिफाई करेगा। मोर देन 50% है तो ये क्राइटेरिया A1B को क्वालिफाई करेगा। और मोर देन 50% पॉपुलेशन साइज रिडक्शन है तो ये क्राइटेरिया A2 को भी क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पे अपने को याद रखना है 70%, 50% और 50% ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज हो गई। उसके बाद B1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वहाँ पे कितनी थी, 100 किलोमीटर स्क्वायर, 500 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 10 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड हो जा रहा है यहाँ, क्योंकि हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं एंडेंजर्ड डिसाइड कर रहे हैं, तो एंडेंजर्ड में हम थोड़ा वाइड जियोग्राफिकल रेंज में उसको चेक करते हैं। तो वाइड यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ अकरेंस क्या है उनका, 5000 का है, 5000 किलोमीटर स्क्वायर, और AO क्या है, 500 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद मैच्योर इंडिविजुअल वहाँ कितने होते थे, 250, यहाँ कितने हैं, 2500, और वहाँ 25% था, यहाँ पे कितना है, 20% है। तो 2500 मैच्योर इंडिविजुअल, और 25% की बजाय यहाँ पे 20% हो जाएगा। ओके, उधर 50 मैच्योर इंडिविजुअल आ रहे थे डी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने, यहाँ कितने आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं 250। अगर ये 250 से कम मैच्योर इंडिविजुअल होंगे तो ये डी क्राइटेरिया क्वालिफाई करके कहाँ पहुँच जाएंगे, ये पहुँच जाएंगे इंडेंजर्ड की लिस्ट में, कहाँ, इंडेंजर्ड की लिस्ट में पहुँच जाएंगे। ऐसे ही एक्सटेंशन इन द वाइल्ड का यहाँ पे क्राइटेरिया है 20%, कितना है, 20%, वहाँ कितना था, वहाँ कितना था, वहाँ 50% है, मतलब 50% होगा तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और एक्सटेंशन इन वाइल्ड का प्रोबेबिलिटी अगर 20% है तो कितना होगा, कितना होगा, एंडेंजर्ड होगा, अगर 20% है तो एंडेंजर्ड होगा। अब ऐसे ही यहाँ पे एक बार वापस से नोट डाउन करते हैं सारे क्राइटेरिया को एक साथ, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 70%, ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। ओके, एक्सटेंट ऑफ अकरेंस कितना है, 5000, 5000 किलोमीटर स्क्वायर, और AO कितना है, 500 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे मैच्योर इंडिविजुअल MI की वैल्यू कितनी है, 2500, वहाँ पे कितनी थी, 250 थी, यहाँ पे एटलीस्ट 20% डिक्लाइन होना चाहिए, वहाँ पे कितना था, 25% कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन विद इन 3 ईयर्स ऑफ 1 जनरेशन, यहाँ पे कितना है, 250 मैच्योर इंडिविजुअल, कितना, डी का क्या है, डी वेरी रिस्ट्रिक्टेड, वेरी रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन में कम से कम, वहाँ पे कितना था, 50 था, यहाँ 250 है, 250 मैच्योर इंडिविजुअल होने चाहिए। और यहाँ वहाँ पे प्रॉबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड कितनी थी, 50% थी, यहाँ पे कितनी है, 20% है। तो ये चीज़ें ऐसे नोट डाउन कर लोगे आप तो अपने आप ABCD क्राइटेरिया हो जाएगा कि
ये इतना ए है, ये इतना बी का क्राइटेरिया है, ये सी का क्राइटेरिया है, ये डी का क्राइटेरिया है और ये ई का क्राइटेरिया है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो आपको याद हो जाएंगी। फिर इसके बाद वल्नरेबल की कैटेगरी आती है। वल्नरेबल की कैटेगरी में हम थोड़े और मतलब ओपन हो जाते हैं, थोड़ा एरिया और वाइड कर लेते हैं कि चलो ये तो वल्नरेबल है, अभी इंडेंजर्ड नहीं है। तो हम वैल्यूज़ को और थोड़ा क्राइटेरिया को ढीला कर देते हैं, लूज कर देते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन साइज वहाँ पे ग्रेटर देन 19 था, 18 था, फिर इंडेंजर्ड में कितना हुआ, 70%, 50%। यहाँ पे और कम हो जाएगा कि अगर पॉपुलेशन साइज में जो डिक्लाइन है वो 50% से ज़्यादा या बराबर है, या फिर 30%, 30% से ज़्यादा है या बराबर है। ओके, यहाँ भी यही है, इसका क्राइटेरिया 30%। अब ये देख लेना जो A1 की वैल्यूज होती है वो कितने दिन के लिए होती है। ये जो डिक्लाइन नोटिस किया जाता है पॉपुलेशन में, रिडक्शन नोटिस किया जाता है, वो हमेशा A1 के केस में लास्ट 10 ईयर्स और 3 जनरेशन का चेक किया जाता है। कहाँ, लास्ट 10 ईयर्स और 3 जनरेशन का चेक किया जाता है। इसके बाद B1 की वैल्यू क्या है, B1 के लिए यहाँ पे EO की वैल्यू है 20,000 किलोमीटर। अब इसको चेक कर रहे हैं कि 20,000 किलोमीटर में कितने हैं। एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी यहाँ पे 2,000 हो जाएगी। वैसे ही अब यहाँ पे मैच्योर इंडिविजुअल का नंबर भी बढ़ेगा। ओके, वहां 50 था, फिर 250 हुआ, अभी कितने हो रहे हैं। मतलब वल्नरेबल वो होंगे जिनके 10,000, 10,000 से कम मैच्योर इंडिविजुअल होंगे, 10,000 से कम मैच्योर इंडिविजुअल होंगे, उनको हम वल्नरेबल की कैटेगरी में रखेंगे। या अगर हमें उनमें 10% से ज़्यादा का कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन दिखेगा पिछले 10 ईयर्स में या 3 जनरेशन में, तो क्या होगा, तो फिर वो सी क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ 10% डिक्लाइन वाला केस हो जाएगा। अब डी, जहाँ पे हम बात करते हैं वेरी रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन की, वेरी रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन की, तो वहाँ पे क्या बात हो रही है, 100 मैच्योर इंडिविजुअल की। पहले में कितना था, 50 था, फिर 250 मैच्योर इंडिविजुअल, अभी कितने हैं, अभी 1,000 मैच्योर इंडिविजुअल की बात हो रही है। कि अगर 1,000 मैच्योर इंडिविजुअल से कम है तो वो D1 को क्वालिफाई करके वल्नरेबल की कैटेगरी में जाएगा। ऐसे ही अगर वेरी रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी की बात कर रहे हैं, तो 20 किलोमीटर स्क्वायर से कम अगर है इसका एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी, तो भी ये वल्नरेबल की कैटेगरी में जाएगा। इसके बाद अगर एक्सटेंशन की प्रोबेबिलिटी जो है, एक्सटेंशन इन द वाइल्ड की प्रोबेबिलिटी इसकी जो है, वो पिछले 100 सालों में 10% की निकले, 10% की एस्टिमेट की जाए, तो भी उसको वल्नरेबल की कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह से सारी कैटेगरीज डिसाइड होती हैं। समझ में आ गया होगा कि किसकी क्या कैटेगरी है। और आपको ये स्लाइड चाहिए होगी तो ये स्लाइड भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, जिसमें ये सारी वैल्यूज मिल जाएगी आपको। अदरवाइज आप IUCN की वेबसाइट पे जाके एक PDF डाउनलोड कर लोगे रेड बुक की, तो वहाँ सारे क्राइटेरिया जो है मेंशन होंगी। अब ये क्वेश्चन देख के बता सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे अपने को पूछा जा रहा है इंडेंजर्ड, नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्या पूछा जा रहा है, इंडेंजर्ड। तो उसमें क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 70%, किसका क्राइटेरिया था, इंडेंजर्ड का था। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में तो वो 90% से अधिक था, उसके बाद वो 50% और 30% इन सब वैल्यूज पे आ गए थे ना। तो अभी ये जो वैल्यू है एंडेंजर्ड के लिए वो है 70%, 70% से ज़्यादा या 70% के बराबर हो पॉपुलेशन साइज। ये भी किस में आ रहा था, 500 किलोमीटर वाला किस में आ रहा है, पाँच सौ किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी कितना आ रही है, 500 किलोमीटर स्क्वायर आ रही है ना। तो एंडेंजर्ड का ये हो गया आपका कि एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी कितनी होती है, 500 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्वालिफाई हुआ इसमें, ये क्वालिफाई हुआ।
अब इसके बाद एटलीस्ट 20% एस्टिमेटेड एक्सटेंशन रिस्क इन 5 जनरेशन। अब ये 20% भी एंडेंजर्ड की ही लिस्ट में था। एंडेंजर्ड की लिस्ट अगर आपको याद हो तो ये 20% है ना। यहाँ पे देखो लिखा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड इज एट लिस्ट 20% विद इन 20 ईयर्स और 5 जनरेशन। ओके, तो यहाँ पे ये जो चौथा ऑप्शन है वो सब कुछ क्वालिफाई कर रहा है ना, सब कुछ क्वालिफाई कर रहा है। ग्रेटर देन 70%, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, एओ की वैल्यू 500 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, और एक्सटेंशन प्रोबेबिलिटी, एक्सटेंशन इन द वाइल्ड प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 20%। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर और भी क्वेश्चन आएंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिए, वनरेबल के लिए, तो ये तीनों तरह के क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व हो जाएंगे, एकदम कोई भी दिक्कत ही नहीं। अब इसके बाद बारी आएगी एंडेंजर्ड स्पीसीज की, जो रेड डेटा बुक में लिस्टेड है, रेड डेटा बुक में लिस्टेड है, रेड बुक में एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल, एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट, तो ये सारे मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इनमें क्या है, रटना है आपको, सब कुछ रटना है कि दोनों कितनी ज़्यादा कहाँ से किस एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पूछ जाए, तो एक लंबी लिस्ट है, वो सब आपको याद करनी पड़ेगी। मैं बताऊंगी अगर हो सकेगा, मतलब मैं देखूंगी, ट्राई करूंगी कि अगर उस पर कुछ याद रखने जैसा कुछ बनता है तो मैं बनाने की कोशिश करूंगी। बट जहाँ तक है, एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे याद करने के लिए, अगर आप यूनिट 9 को अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो। तो ऐसे ही और वीडियोज़ आ जाएंगे आपका यूनिट 9 कवर करने के लिए। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में।